वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातु सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृन्दाय तुलसीदेव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः श्रीकृष्णचैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदे गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हो गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना ले I'm
Advaita
Yeah.
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के Thank you.
मुख्य कारण तो ये है महाराज जी, कई दिनों से इनके मन में एक जिज्ञासा थी, एक मतलब इच्छा थी कि आपको बुलाने के लिए घर पे। ये मुझे 5-6 महीने से कह रहे हैं, मैं अभी आपको संकोच वश कहता था कि भाई आ जाओ, तो इन्होंने खुद के बोला कल तो आप आगे कल आ जाते। अब बच्चे कहाँ है अभी साहब? बच्चा दरअसल वो है, पेपर वेपर होते होते हैं इनके, एमबीए वगैरह के दे रहे हैं, एंट्रेंस वगैरह दे रहे हैं। तो एक का तो शादी हो गया, तो वो तो जयपुर है, जयपुर में रहता है। हाँ, वो तो डॉक्टर है, तो उसका वो भी डॉक्टर है। दूसरे वाले जो है वो बीटेक एमबीए है, तो बैंक में सर्विस करता है। कहाँ रहता है वो? ये पंजाब नेशनल बैंक में रहता, तो यहीं पे है। और तीसरा वाला जो बेटा है वो आजकल बीटेक के बाद एमबीए के पेपर वेपर है, तो आज शायद उसका पेपर है 11 बजे कुछ ऐसा है, जिसका दरअसल वास्तव में बर्थडे है। बर्थडे वो नहीं है, वो पेपर वालों ने उसको बुलाया हुआ है 11 बजे शायद। पेपर देने के लिए? हाँ, पेपर होता है। और एक जयपुर में? एक जयपुर में है, जयपुर में वो भी आपका मैंने देखा था, तो मैं वही कह रहा था, मैंने कहा जब अगली बार जाएंगे तो उसको बोलूंगा कि जयपुर में जगह देख कौन सा है, गुरु जी कहाँ पर गए थे पास में। ये बुरा था कौन जी, लड़की जो है वो जयपुर में ब्याही है। लड़की भी जयपुर में ब्याही? लड़की है जो बड़ी वाला लड़की है, तो वो जयपुर में शादी है उसकी, वो डॉक्टर है वहीं पर मेडिकल कॉलेज में। दूसरे नंबर की भी बेटी है, वो बीटेक एमबीए है। ये बेटा सबसे छोटे वाला है जिसका बर्थडे है, तो इसका वैसे तो 20 दिसंबर होता है उसका हिंदी महीने के अनुसार। माता जी त्रयोदशी करती हैं, तो अब की बार त्रयोदशी है ये 26 जनवरी की। और आपकी इच्छा थी मेरे को कि भाई आप तो हमारे यहाँ पिछली बार ही मैं सोच सोच के रह गया, आए नहीं पिछली साल, आप बिजी काफी हो गए थे, तो अब की बार मैंने खुराना जी को भी बड़ी सिफारिश लगाई आपसे भी करी। फिर वो 24 तारीख का इसलिए था कि मतलब 26 तारीख का इसका त्रयोदशी एक्चुअल है, जो हिंदी के अनुसार माता जी हिंदी महीना मानती है, और 24 का इसलिए रखा प्रोग्राम। और मेन तो यही था, मैंने कहा आप हापुड़ में, तो मेरे वो भी खुराना प्रभु जी की उससे हुआ था, उन्होंने बताया कि आप हापुड़ आए हुए हैं। अब हापुड़ जाते नहीं ना? मैं इसी एक साल से नहीं जा रहे जब से कोरोना है, और ये दिल्ली वाला क्लिनिक भी बंद है, तो इस वजह से क्या है कि अभी मतलब मरीजों के आमने सामने नहीं मिल रहे, वो टेलीफोन से बात होती है बस। और ये वाला मेरा दिल्ली का क्लिनिक है, जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें जो बगल वाला कमरा है उसमें माता जी रहती है, तो माता जी के कमरे के नाम से मशहूर माना जाता है। तो नीचे वाली मंजिल क्लिनिक और माता जी का मंदिर है, वो घर है, और ऊपर वाला फिर हम लोग रहते हैं फैमिली के साथ। ऐसे वैसे तो कई साल से जुड़े हुए महाराज जी, किसी न किसी तरीके जुड़े हुए, लेकिन अभी जब से हरिनाम मिला ना आपसे, तो उसमें एकदम तरक्की किया इन्होंने।
16 से 64 सीधा 32 साल की थी। ये असल में ये जो मेरे सारे बच्चे हैं ये थोड़े दिन ये देखते थे कि अम्मा पूजा कर रही हैं तो ये भी बैठ जाते थे तो पूछते थे कि क्या कहती हो तुम, तो मैं कि ये बेचारे कुछ जानते तो है नहीं, मैं कि तुम ओम ओम कह लिया करो। तो इनके संस्कार शुरू से ही इस भगवान में, और भगवान ये ही और आप ये ही आशीर्वाद दो कि जो मेरी नीचे की पीढ़ी और आवेगी, अब तक की तो बिल्कुल निर्मल और भक्त भाव की है, आगे वाली कलयुग को देख के मुझे डर लगता है। तो मैं कहती हूँ कि आप और मेरा ये कष्ट आगे वाली को था मेरे। अजील आपको बच्चों का आज रखना चाहिए था इस घर में, कथा हो रही है आज बच्चे अगर घर में रहते ना फिर वो भी थोड़ा सत्संग सुनते, उनका अंदर में थोड़ी सी भावना आती भजन करने की। अभी तो आप लोग थोड़ी पुराना स्टाइल किया ना, इसलिए आपके अंदर में भक्ति की भावना, लेकिन अभी जो नई पीढ़ी आ रही है बड़ी गड़बड़ी है, उनको स्मार्ट कलयुग ये वो असर दिखा रहा है। और ये जो रामायण भागवत होती है इनको देखते हैं और कानों में जाता है तब कुछ मन बदल जाता है, तब वो अपने आप जाते, किसी के कहने से नहीं जाते। इसलिए बच्चों को आज घर में रखना चाहिए था। वो दरअसल क्या है महाराज जी, बस वो आजकल का जो बच्चे हैं वो भलाओ इनका नेट का, मेरे को तो कभी नेट इस्तेमाल करना आया नहीं, वो सब हाँ उस पर देखते रहते हैं क्या करते हैं जो नहीं। और क्या कहते हैं वो जो नंबर वन जो मेरी बेटी है उसको जरूर मैंने कहा तू तो जयपुर में रहती है और वहाँ मैंने कहा गोविंद देव जी का बहुत अच्छा मंदिर है, मैं तो जब भी जाता हूँ तो इन्होंने बताया सुनने को मिला। और एक और है मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो भी जो है अच्छा मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, तो उनको गोपीनाथ मंदिर, तो ये मैं दो मंदिर जरूर जाता हूँ, मैं उसके मिलने जाता हूँ, पर ये दोनों भी जरूर जाता हूँ। बेटी को भी बोला कर, तो उसका बेटा था तो फिर मैंने उसको ही बोला कि उसका 13 अप्रैल को था, तो मैंने कहा तू ऐसे कर कि इसको बेटा हालांकि एक साल प्लस है थोड़ा सा, तो मैंने कहा तू इसको दर्शन जरूर करा के लाना, और उसके जो है जो फादर ना वगैरह हैं वो पता नहीं क्यों नहीं और गुरु जी को मानते हैं तो उस तरह से वो नहीं करते थे, तो मैंने कहा अपने हस्बैंड को ना तो अपने साथ ले जाएगा, तो एक दिन मैंने कहा ऐसा होगा कि ये भी उस हिसाब से जुड़ेगा, तो मैंने कहा और कुछ करो चाहे मत करो ये अपना जरूर जाओ, तो उसको बोला मैंने, तो वो है कि वो ठीक है जो भी जितना जो बीच में जो बोलते रहो बीच में जो जाते रहे ना, ठाकुर का दर्शन करने से वो ठाकुर जी का बड़ी महिमा है, वो हमारे संप्रदाय का ठाकुर जी है, वो तो अपना भक्तों के साथ में डायरेक्ट बात करते थे जो ठाकुर जी है ना, एक झांकी में हजार हजार लोग वहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए, वो ठाकुर को जो गोविंद देव वहाँ पर उनके लिए उनको जिन्होंने स्थापन किया एक बड़ी सुंदर श्लोक कहते हैं, वो कहते खबरदार वृंदावन मत जाओ, संत कहते आओ इधर आ जाओ माता जी सामने आ जाओ, तुम इधर बैठो जाओ सर सर इसलिए वो कहते हैं खबरदार वहां मत जाया करो, मना करते कहते वो कहते हैं वहां मत जाया करो ठाकुर का दर्शन करने के लिए, अगर वृंदावन मत जाओ, वृंदावन चले गए तो उसी मंदिर में मत जाया करो जहाँ पर ठाकुर गोविंद देव उनका गोविंद देव है। बोले क्यों? बोले एक बार अगर उनका दर्शन करोगे ना फिर वो दुनिया को देखना भूल जाओगे, वो इतने वो सुंदर ठाकुर जी है, उनका जो तेरी चित्तवन वो तीर है, जब वो तीर चलाते हैं ना साधारण तीर तो चुप जाती है लेकिन वो इस पार से उस पार हो जाएगी, वो ऐसे तीर है, इसलिए कहते उनका मीठी मीठी जो मुस्कराहट खबरदार विश्वास नहीं करना, वो हंसी नहीं एक बार देखोगे तो फंस जाओगे वहाँ पर भी, उनके सर पर जो मयूर मुकुट है जो हाँ जो झुका हुआ है खबरदार उनके ऊपर कभी विश्वास मत करो, क्योंकि बोले सेरू पर नयन हेरे कह ना ही घरे फिर, मतलब एक बार उनका दर्शन करोगे तो ये दुनिया को देखना भूल जाओगे, अगर पत्नी देखेगा ना वो पति को भूल जाएगी, अगर पति देख लिया तो पत्नी को भूल जाएगी, बच्चे देखा तो पिता माता को भूल जाएंगे और पिता माता देखा तो बच्चों को भूल जाएंगे, वो इतने सुंदर ठाकुर जी वो संत कह रहे हैं, तो इसका मतलब कह रहे हैं इसका मतलब दर्शन मत किया करो, बोले नहीं कहते अगर ये जीवन को सार्थक बनाना चाहते हो एक बार मंदिर में जाओ, वो संत घर जी ने उनको स्थापन किया है, एक बार तो देखो क्या दुनिया के चक्कर में तू पड़े हुए हो, टाटी पेशाब थली में आ सकती है सबके सब, शरीर तो टाटी पेशाब थली ना ऊपर के चमड़ा है तो और कुछ तो है ही नहीं इसमें,
कहते इसमें क्या बड़ाई हुए, एक बार ठाकुर को तो देखो उसमें कितना आनंद है, कितने रस है, कितने खुशियाँ उनके अंदर, एक बार तो देखो तो सही। वो संत कह रहे हैं इसलिए वो ठाकुर को दर्शन करने का बड़े महत्व। आप जो बताए ना उनको बोला करो बीच बीच में जाओ, हाँ बीच बीच में जाओ और बीच बीच में दर्शन करो, वहाँ पर ठाकुर को दर्शन करो। कितने सुंदर ठाकुर एक ही झांकी में, अब तो गए होंगे ना, देखे ना कितने, अब आप भी गए होंगे ना, एक जगह झांकी में कितने लोग आते हैं वहाँ पर। सवेर मंगला आरती होती है 5 बजे 4:30 बजे हजार हजार लोग वहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए ठाकुर जी को। बड़ी महिमा है ठाकुर जी की। और उनको जिन्होंने स्थापन किया ना वो भगवान कृष्ण के परपोता ने ठाकुर को स्थापन किया है। वो ठाकुर कैसे स्थापन हुआ देखो, अभी जो उत्तरा, अब पता होगा उत्तरा कौन है, अभिमन की माँ है, अभिमन की माँ के नाम उत्तरा है। अभी उतने उसने उसने देखा था, हाँ उसने देखा था कृष्ण को, उन्होंने देखा था कि कृष्ण कितने सुंदर है, उनने देखा था। अभी बीच बीच में उनको जो दादी थी कृष्ण की बड़ी सुंदर सुंदर कथा सुनाया करती थी, हाँ कृष्ण इतने सुंदर है, कृष्ण इतने प्यारे, इतना प्यारे। एक दिन बज्रनाभ ने मचल गया, बोले दादी जी जो कृष्ण की आप इतने सुंदर कथा सुनाती हो, इतने सुंदर मीठी मीठी बंसुरी बजाते थे, जब बंसुरी बजाते थे उल्टी जमुना बहती थी, पेड़ से मधु झरता था, आकाश में मेघ छा जाते थे, मयूर कोयल सब मुग्ध हो जाते थे, उनको तो देखा एक बार कृष्ण कैसे। तो उन्होंने अच्छे अच्छे मिस्त्रियों को बुलाए, मिस्त्रियों को बुला करके बोले ऐसे एक ठाकुर जी बनाओ, क्योंकि उन्होंने देखी थी ना कैसे तीन जगह से टेढ़े हैं, कैसे मीठी मीठी मुस्कराहट है, कैसे कृष्ण बंसरी बजाते, बोले ऐसे कृष्ण मूर्ति बनाओ। तो उन्होंने बनाया, जब बनाया जब कंप्लीट हो गया बोले देखो आप जैसे बोल रहे थे वैसे बना के। नहीं उन्होंने कहा देखो ये जो ठाकुर जी में ना कृष्ण का जैसे मुखार बिंद आया लेकिन उनका बख्य स्थल चरण नहीं आया, जिस ठाकुर जी में उनकी मुखार बिंद आ गया वो जो गोविंद देव दर्शन करे वो ठाकुर जी। बोले और ये ठाकुर जी बनाए, जब बनाए बोले देखो ये हुआ कि नहीं, बोले नहीं इसमें तो उनका चरण भी नहीं मुख भी जैसे नहीं, उनका केवल बख्य स्थल आया है। तो वो ठाकुर का नाम गोपीनाथ पड़ा, जयपुर में दो ठाकुर जी। खैर बोले और एक ठाकुर बनाओ, और एक ठाकुर बनाए, जब बनाए जब कम्प्लीट ही हो गया बोले देखो इसे बना कि नहीं, बोले नहीं उनके मुख भी नहीं उनका बख्य स्थल भी नहीं, केवल उनका चरण जैसा आया। फिर उसका नाम हो गया मदन मोहन हो गया। ये जो मदन मोहन ठाकुर जी पहले तीनों ठाकुर थे जयपुर में, तीनों ठाकुर थे। लेकिन जयपुर राजा जो मानसिंह थे, जयपुर का राजा, वो बड़े भक्त, राजा रानी बड़े भक्त थे। अभी पिता माता को देख कर बच्चों का संस्कार बदलती, अभी पिता माता को देख देख करके ये लड़की इतने बड़े भक्त हो गई लड़की, अभी वो अपना हाथों से मदन मोहन को श्रृंगार करती थी, भोग बनाकर ठाकुर को खिलाया करती थी। हैं अभी जब उसकी शादी के लायक हो गई, राजा ने उसको करौली में शादी देने के लिए तैयार किया, हैं करौली के राजा को साथ में। तब उन्होंने बेटी को बोले बेटी मैं तो दहेज रूप में जो दूंगा दूंगा ही, अगर तुम्हारी मन में कोई अगर कोई इच्छा हो बोल दे। बोले पिताजी बचपन से ये मदन मोहन को मैं सेवा पूजा कर रही हूँ, इनको श्रृंगार करती हूँ, खिलाती पिलाती हूँ, इनमें आसक्ति हो गया, अब दहेज रूप में ठाकुर मैं बता रहा हूँ। लेकिन ठाकुर का नाम ही मदन मोहन बहुत सुंदर थे। बोले बेटी हम ये नहीं कर सकते, और कोई ठाकुर ले जा। बोले नहीं तभी शादी कर लूँ जब दहेज रूप में ठाकुर दोगे। अरे पिताजी की बेटी में लड़ाई हो गई, पिताजी कहते हैं और ठाकुर लो, तब भी शादी करूँगी जब ये ठाकुर को दोगे। जब लड़ाई हो गई अभी तो बेटी को शादी देना ही पड़ेगा। बोले देख अगर तुम्हारी ये मदन मोहन में इतना प्यार है प्रेम है मैं उसको परीक्षा करके दूंगा। बोले क्या परीक्षा करोगे? बोले सारे ठाकुर को मैं लाइन करके खड़ी कर दूंगा। अब जयपुर गए होंगे बहुत सारे ठाकुर वहाँ पर देखोगे, राधा माधव देखोगे, मदन मोहन देखोगे, वहाँ सारे ठाकुर बहुत ठाकुर पूरा जयपुर में ठाकुर ठाकुर भरे हुए। राजा बड़े भक्त थे, कृष्ण भक्त थे। बोले सारे ठाकुर को मैं खड़े कर दूंगा, तुम्हारी आंखों में काला पट्टी बांध कर छोड़ दूंगा, और जिस ठाकुर को जाकर के आप स्पर्श करके बोलोगे ये ठाकुर मैं कह दूंगा। बोले ठीक है, अभी बेटी तो बड़े भक्त है, अभी रात भर रोई ठाकुर को प्रार्थना की, ठाकुर जी पिताजी कहते परीक्षा करके देंगे लेकिन हमें पता कैसे आप मदन मोहन हो। तो रो रो सो गई ना ठाकुर जी, उनको स्वप्न में आए। बोले बेटी कोई चिंता मत कर, एक काम करना जब ठाकुर को लाइन करके खड़े कर देंगे ना पट्टी बांध देंगे सब ठाकुर को शरीर में से हाथ लगाते लगाते हैं, जब तुम मेरे पास आओगे ना मैं तुम्हारे हाथ पकड़ लूंगा, लेकिन ये चीज़ को कोई नहीं समझेगा, तू समझेगा और मैं समझूंगा। वो बेटी तो बड़ी प्रसन्न हो गई, जयपुर का सारी जनता लोग आए, सारे ठाकुर को खड़े कर दिए, आँख में पट्टी बांध दिए,
जो उसने ऐसे ऐसे हाथ लगाते लगाते मदन मोहन के पास में आई ना, केवल यही देख रही थी ठाकुर मेरा हाथ पकड़ रखे और कोई नहीं देख रहे थे, बोले पिताजी हम ये ठाकुर दे दो। मान सिंह देखा इतने सारे ठाकुर में कैसे भाई जान गया ये मदन मोहन है। बोले बेटी मैं हार गया तू जीत गई, ले इसको तो दहेज रूप में ले जा। फिर राजा ने करौल में हैं करौल में फिर उन्हें सुंदर ठाकुर जी के लिए मंदिर बनाया, इसलिए एक ठाकुर वहां चले गए। कहते जो तीन ठाकुर है, एक उनकी चरण, एक बक्षस्थल, एक मुखारविंद, कहते एक सूर्य उदय में, अगर ये तीन ठाकुर को कोई दर्शन कर ले कहते उसको कृष्ण दर्शन करने का फल मिलता, क्योंकि इन ठाकुर को किसने स्थापन किया है, बोले जिसने स्वयं देखा है, जिसने स्वयं देखा ठाकुर जी को उसने स्थापन किया ठाकुर जी को, इसलिए ठाकुर की इसलिए इतने लोग दर्शन के लिए आते हैं, वो ठाकुर जिसने देखा है उसने ही ये ठाकुर जी बनाए। इसलिए गोपीनाथ जो बक्षस्थल है जयपुर में हैं और इस गोविंद देव उनकी मुखारविंद है, इसलिए ठाकुर का दर्शन करने का बड़ा महत्व। इसलिए बेटी को बुला करो, तुम बीच बीच में जाओ जाओ जा करके ठाकुर का दर्शन करो, वो ठाकुर दर्शन करने का बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व है ठाकुर को दर्शन करने का, ठीक है ना। उनको बीच बीच में बोलते रहो ठाकुर को जरूर दर्शन करो, और हो सके तो घर में भी एक ठाकुर जी को घर में भी रखा करो, घर में जो कुछ खाते हो ठाकुर जी को। अभी अभी का जो बच्चे लोग हैं ना वो थोड़ी सी लिखा पढ़ा थोड़ा ज़्यादा सीख जाते हैं, अभी ठाकुर ठाकुर को नहीं मानना चाहते हैं, अपना खाओ पियो मस्त रहो, भगवान भगवान कौन हो। अभी लोग सब ऐसे ऐसे ज़्यादा जो लिखे पढ़े ज़्यादा हो जाते हैं ना, अभी ज़्यादा उल्टा रास्ता में चलना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी अंग्रेजी लोग वृंदावन में जाओ, अभी तिलक लगा कर गले में कंठी माला पहन चोटी रख करके वृंदावन में जाओ, अमेरिका लंदन फ्रांस जर्मनी सब कैसे भाजी बोलो करके, अभी वो लोग अपना धर्म छोड़ कर हमारी तरफ में आ रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपना धर्म छोड़ करके सनातन धर्म अभी विदेश की तरफ में हम जा रहे हैं। इसलिए शांति तो केवल प्रभु का भजन है। उदाहरण दिया जैसे कि पिंजरा है, पिंजरा में एक तोता रहता है, लेकिन हम तोते को तो खाना नहीं खिलाते, दिन भर पिंजरा को पेंटिंग करते रहते हैं। अब बताओ तोता जिंदा रहेगा कि तोता जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि वो तोता बच्चे से ये पिंजरा है, कहते ये शरीर के पिंजरा है लेकिन उसके अंदर में एक तोता बैठा हुआ है, हैं तोता की वजह से ये शरीर, तोता चली जाए उड़ करके एक घंटा भी घर में रुकने नहीं देते। जिस शरीर को स्नान करके छूते हैं वो शरीर को छू करके स्नान करना पड़ेगा, हैं वो आत्मा की वजह से ये शरीर टिका हुआ है, हैं लेकिन हम लोग क्या करते हैं, शरीर को च्यवनप्राश खिलाएंगे, इसको ब्यूटी पार्लर में ले जाएंगे, इसको इसको श्रृंगार करेंगे, लेकिन जो अंदर में जो आत्मा बैठा हुआ ना उसके लिए कुछ नहीं, उसके लिए कुछ नहीं करते हैं। इसलिए भैया एक दिन तोता वो उड़ कर चली जाएगी, मेरे ये तोता फिर मर जाएगी तोता, इसलिए उसका आहार क्या, शरीर तो आहार दाल चावल रोटी भात है, लेकिन उसका आहार क्या है, उसका आहार भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, भगवान का प्रेम ही उसकी आहार है, इसलिए उसको आहार देनी चाहिए, उसका आहार है भगवान की भक्ति। लेकिन अभी अभी जगत का जो बच्चे लड़के लोग है अभी ये चीज़ से जैसे आप माता जी करती थी, इसलिए संस्कार आप ऊपर पड़ा है, आप लोगों पर पड़े हैं, इसलिए आप लोग भी थोड़ी सी भक्ति में आप भी भक्ति करना, घर में कंठी तिलक माला जैसे प्रभु जी लगाते हैं आप भी थोड़ी भजन करो, क्योंकि पहला जो गुरु है ना, पहला गुरु कौन है, पितामह का है ना पहला गुरु, सबसे पहले संस्कार किसकी पड़ती है, सबसे पहले माँ की पड़ता है, उसको तो बाप की पड़ती है, पहले संस्कार माँ की पड़ती है, उसको बाद में फिर बाप का पड़ता है संस्कार है। आप अगर बचपन से हरि नाम माला करती है ना, बच्चे देखते क्या कर रही है, अब देखना छोटे छोटे बच्चे का क्या स्वभाव, अगर माँ भजन माँ क्या कर रहे हो, कुछ कुछ बच्चे फिर वो क्या करती है, माला लेकर के वो भी भजन करना शुरू कर देती है। एक समय हमारे जो बड़े गुरु जी थे उनको किसी ने कहा गुरु जी बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे बात नहीं सुनते, हमारे जो बड़े गुरु जी कहते थे, बोले बेटा तू रामायण पढ़ाओ, बोले नहीं, बोले बच्चों को कभी रामायण पढ़ने के लिए बताया, बोले नहीं, बोले जो रामायण पढ़ेगा नहीं बच्चों को रामायण पढ़ाने में नहीं देगा तो पितामह का सेवा कैसे करेगा, कर ही नहीं सकता, क्योंकि रामायण में ही लिखा हुआ है प्रात उठ ही रघुनाथा हर मात पीत गुरु नमः माता, ठाकुर जी सवेरे उठ कर क्या करते, सबसे पहले अपना पिता माता को चरण छूते थे, ठाकुर जी की प्रणाम करते थे, ठाकुर को सेवा करते थे। अब रामायण देखते होंगे जब दशरथ महाराज शयन करते भगवान राम जाकर पिताजी की चरण की सेवा करते, कहाँ शिक्षा मिलेगा, तो शिक्षा मिलेगा तो रामायण भागवत से, तो शिक्षा मिलेगा
गुरु जी ने कहा खुद तो पढ़ा ही नहीं बच्चों को, रामायण पढ़ा ही नहीं, लेकिन स्मार्टफोन पकड़ा दिया बच्चों गुरु जी स्मार्टफोन पकड़ा दिया जिसमें जीवन बर्बाद हो सके वो चीज तब तूने बच्चों को दे दिया, लेकिन कभी खुद पढ़ा भी रामायण नहीं और बच्चों को कभी संस्कार नहीं डाला। फिर तुमको बच्चे कहाँ से तुमको प्रणाम करेंगे, कहाँ चरण छुएंगे, कहाँ तुम्हारी बात सुनेंगे। रामायण में तो लिखा हुआ ना भगवान राम ने पिताजी के आदेश पालन करने के लिए 14 साल वनवास गए, गए कि नहीं गए थे ना, किसकी आदेश पालन करने के लिए, फिर अपना माँ की नहीं, कई कौशल्या के नहीं, किसकी, कैकेयी की, कौशल्या ने नहीं मांगा, किसने मांगा था, वो बीमा था कि अपना माँ नहीं दूसरे माँ की आदेश को पालन कर 14 साल के लिए भगवान वनवास गए, क्यों क्यों ये आदर्श रखे। लेकिन अभी अपना बच्चे को बोले 14 दिन के लिए मेरे आदेश पालन करने के लिए कहीं जाओ, वो 14 दिन के लिए तो मनमर्जी घूमने कहीं चले जाएंगे, लेकिन पिता माता के आदेश पालन करने के लिए एक दिन भी नहीं जाएंगे। कारण क्या, गुरु जी कहते सब बात को है, हमारे महाराज जी प्रभु जी का गुरु जी कहते थे हम कमी है पिता माता की है, हमने जीवन में कुछ भी नहीं किया, कोई रामायण पढ़े नहीं, गीता पढ़े नहीं, बच्चों को संस्कार नहीं दिलवाया है, बच्चों को बोले बोले उनको एटी में कार्ड बनाया, पढ़ 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 तो और तो कुछ सिखाया नहीं उनके बच्चों को, गुरु जी कहते थे और तो कुछ सिखाया नहीं, खुद भी किया नहीं, तो बच्चे को संस्कार कहाँ पड़ेंगे, आपको संस्कार पड़े माँ से माता से संस्कार, फिर आप बच्चे को संस्कार पढ़ते माँ से पढ़ते करें, समझ रहे हो, हाँ दोष है सबसे, सारे दोष हमारी है, हमने कुछ नहीं किया, बच्चों को अंदर में कोई संस्कार हमने डालने के लिए कोई कोशिश नहीं किया। इसलिए गुरु जी कहते थे बच्चों को बोलो कहीं जाने से पहले ठाकुर को प्रणाम करके जाए और एक माला जप करके जाए, गुरु जी कहते थे, फिर बच्चे बात नहीं सुनते, गुरु जी कहते थे उसको जोर जबरदस्ती कॉलेज स्कूल भेजते कि नहीं पढ़ाई के लिए, गुरु जी कहते जोर जबरदस्ती स्कूल स्कूल भेज रहे कि नहीं, स्कूल भेजते कि नहीं, जोर जबरदस्ती भेजते है ना, तब बच्चे जो जोर जबरदस्ती भेज रहे हो स्कूल कॉलेज में तब उसको 5 मिनट 10 मिनट नहीं बोल सकते हो, थोड़ा रामायण पढ़ नहीं तो थोड़ा एक माला करके जा, गुरु जी कहते थे। इसलिए बच्चों के अंदर में आप लोगों को पता है शुक्रवार होने पर मुसलमान लोग छोटे छोटे बच्चों को टोपी पहना कर लेकर मेन रोड को जाम कर देते ना, ट्रैफिक जाम कर देते हैं, लेकर के चोर जबरदस्ती ले जाते हैं उनको मस्जिद में, चोर जबरदस्ती नमाज पढ़ाने के लिए ले जाते हैं, क्या हम करते ये बात, कुछ नहीं करते, तो संस्कार कहाँ से आएगा, पिता माता से संस्कार आएगा, समझ रहे हो सब, इसलिए क्या करो ऐसे नहीं इतना कभी बच्चे को मत पढ़ाए तो दे करो, बच्चे को ज्यादा पढ़ा दो ना, बच्चे तुम क्या कर जानते हो, अनपढ़ है कमा रहे, हम PhD डॉक्टर इंजीनियर किया हम इतना सब कुछ, बच्चों को ये बोलते हैं बच्चे लोग पिता माता ये कहते हैं है? इतना ज्यादा लिखा पढ़ा सिखा देते हैं बच्चे हमें निगलेक्ट करते हैं, लेकिन उसको साथ साथ मगर भक्ति की थोड़ी सिखा देते तो क्या होते, बच्चे नम्रता बनते, पिता माता की आदर करते, पिता माता की चरणा छूते, ठीक है ना। इसलिए पहले खुद करो, पहले माला जप करो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो थोड़ी सी, और बच्चों को भी बोलो बच्चों थोड़ी थोड़ी भगवान की हेल्प में ध्यान दो, ठीक है। अभी हमारे के बच्चे दोनों बच्चे भी आपको थोड़ी थोड़ी कथा सुनाएंगे, ये हमारे ये लोग जो भी कॉलेज में जाकर बच्चों को ये क्लास देता है, हाँ ये दोनों ही तो बैठे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, दोनों नौकरी करते हैं, इसलिए ये अभी प्रोजेक्ट में माध्यम में अभी हम जहाँ पर गए ना वो पिछली बार 200 लोग आए थे, बहुत सारे यंग बच्चे आए थे, और यंग बच्चों को वहाँ क्लास देते सर्च फॉर हैप्पीनेस डज गट एग्जिस्ट हुआ माई इस विषय पर ये सब क्लास देते हैं, हाँ अंग्रेजी में बच्चों को क्लास देते हैं, इसलिए ये आपको भी थोड़ी थोड़ी कुछ कथा सुनाएंगे, हाँ थोड़ी कथा सुना आपकी महाराज जी सारी कृपा अनुरुद्ध पे है, आपकी सारी कृपा ना अनुरुद्ध पे है, मैं इसको सुनता हूँ जब ऐसे लगता है जैसे आप बोल रहे हो मम ज्ञान विभ्रांतस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसाय ठीक है गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे
राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरु पाद पद्म श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्णु विष्णु पाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणार विंदो में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तदुपरांत यहाँ उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। गुरु जी ने आज्ञा दी है थोड़ी सी हरि कथा सुनाने के लिए। जैसा अभी थोड़ी देर पहले गुरुदेव बता रहे थे कि आजकल जो नए जैसे हम लोगों की जो जनरेशन है वो तो भक्ति में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि हमने खुद अनुभव किया जब स्कूल में कॉलेजेस वगैरह में हम लोग जाते हैं तो जिस तरीके का माहौल वहां पर होता है वो तो भक्ति के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि उसमें पढ़ते 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 ऐसी धारणा बन जाती है कि जो भी है साइंस है, हा? जो भी हो रहा है साइंस के कारण ही हो रहा है, जो भी हो रहा है सब कुछ जो हम देख रहे हैं इसके पीछे साइंस ही कारण है, और थ्योरीज ऐसी पढ़ाई जाती है जैसे डार्विन की थ्योरी पढ़ा दी, हाँ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ कि अपने आप सब हो गया, बिग बैंग थ्योरी ब्लास्ट हो गया सब बन गया, वर्म होल्स ये वो इस तरीके से पढ़ाते हैं ना कि धीरे धीरे जो व्यक्ति को नास्तिक बना देते हैं, उनकी जो अपब्रिंगिंग इस तरीके से होती है कि बच्चा क्या बन जाता है पूर्ण रूप से नास्तिक हो जाता है। अब वो जो भी थोड़ा बहुत जो हमारा जो जो हमारी संस्कृति है जैसे दिवाली होली मनाना ये मंदिरों में जाना वो भी केवल उनके लिए क्रियाकलाप ही रह गया, अंदर हृदय में कोई भी भावना नहीं रह जाती है। मैंने भी इस चीज का अनुभव किया, लेकिन इन्हीं स्कूलों में दूसरे धर्म के बच्चे भी जाते हैं, सिख धर्म के बच्चे जाते हैं, मुसलमान धर्म के बच्चे भी जाते हैं, ईसाइयों के बच्चे भी जाते हैं। आप देखोगे जो ईसाई के बच्चे होते हैं, मैं जहाँ जिस जहाँ मैं रहता था इंदौर में वहाँ क्रिश्चियन सोसाइटी आसपास रहती थी, उनका पक्का नियम था कि संडे को उनका चर्च में प्रोग्राम होता है, वो सब संडे टू संडे चर्च चले जाते हैं। और जब मुस्लिम्स होते हैं उनका तो जो ये फ्राइडे वो तो फ्राइडे फ्राइडे जुमा जुमा पहुंच जाते कहा मस्जिद पहुंच जाते, और सिख लोग उनका भी संडे को वो लोग जाके गुरुद्वारे जाते, कभी टाला नहीं करते। लेकिन विडंबना यह है कि केवल ये हिंदू संस्कृति के अंदर ही ऐसा हुआ है, हम लोग जो सनातन संस्कृति ऐसी हुई है कि ये जो धीरे 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 जो बच्चों को मंदिर ले जाना उनको संस्कार देना है ये सब धीरे धीरे निकल गया और कहीं से नहीं निकला। अब देखो सरदार जी लोग बढ़िया पगड़ी बांधेंगे अपने संस्कृति पे गर्व करते हैं वो लोग, और मुस्लिम्स को देखो अच्छी चीज गुण तो हर जगह से लिया जा सकता है, मुस्लिम्स को देखो वो देखो टोपी लगा करके बिल्कुल बढ़िया सड़क पे नमाज पढ़ते, कोई उनको शर्म नहीं है कि किसी को दिक्कत हो रही है कुछ हो रही, ट्रेन में रास्ता घेर लेते हैं पूरा, लेकिन अपना काम करते हैं। अच्छी चीज तो कहीं से भी सीखी जा सकती है, लेकिन अभी धीरे 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 और ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने शास्त्र पढ़ना बंद कर दिया, हम शास्त्र पढ़ते नहीं है और हम पढ़ाते भी नहीं है, और ये शास्त्र स्कूल कॉलेज में तो कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन मैं जहां स्कूल में पढ़ता था वहां मुस्लिम बच्चे आते थे, वो स्कूल से जाने के बाद में उनकी क्लास होती थी उर्दू की, वो उर्दू पढ़ते थे जो क्या बोलते हैं उसको मदरसा, मदरसे में जाकर के उर्दू जो काम की नहीं अभी वो लैंग्वेज वो लोग सिखाते जबरदस्ती सिखाते बच्चों को, बचपन में उनको ऐसा संस्कार दे देते हैं कि बच्चे जो है एकदम कटर बनते एकदम कचरा भर देते हैं उनके दिमाग में कि तुम मुसलमान हो जो अल्लाह को ना माने वो काफिर है ये वो सब सिखा देते। और हमारे शास्त्रों में इतनी सुंदर सुंदर बातें हैं कि भाई प्रेम करने की वस्तु क्या है, कि सारे जगत में जितनी गड़बड़ हो रही क्यों हो रही, प्रेम नहीं मिल रहा इसलिए तो हो रही है, प्रेम नहीं मिलता इसलिए लोग घर से इधर उधर लड़ाई करके चले जाते हैं, प्रेम नहीं होने से लोग सुसाइड कर लेते हैं, प्रेम नहीं होने से सब टेंशन हाइपरटेंशन सारी दुनिया भर में ये प्रॉब्लम कैसे हो रही है, क्योंकि प्रेम धीरे 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 निकलता जा रहा है, पैसा तो बढ़ता जा रहा है लेकिन जो सुहृद था जो प्रेम था जो आत्मीयता थी एक दूसरे से वो धीरे धीरे निकलती चली जा रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है अशांति फैलती चली जा रही है। बड़े बड़े देश अमेरिका यूरोप जिनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं, रिसोर्सेज की इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम बेस्ट सब चीजें अच्छी है, लेकिन जो बताया ना जो एक आत्मा की शांति मन की शांति नहीं है। जब शरीर को हम खाना देंगे तो शरीर पुष्ट होगा, लेकिन प्रसन्नता शरीर से थोड़ी ना आती है, प्रसन्नता तो मन से आती है अंदर, आत्मा प्रसन्न होगी तब तो प्रसन्नता आएगी ना। अब उस मन का उस आत्मा का आहार क्या है ये तो किसी को पता ही नहीं कि आत्मा को क्या वस्तु मिलेगी कि वो उसको शांति मिले, लेकिन ये चीज हमने उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अगर हम भागवत को उठा करके पढ़ेंगे तो वहां शौनकादिक ऋषियों ने शुरू में ही प्रश्न किया, शौनकादिक ऋषियों ने
शुरू में ही सूत गोस्वामी जी से प्रश्न किया कि प्रभु आप हमें बताओ ये आत्मा को शांति कैसे मिले, लेकिन भागवत खोलकर हमने कभी पढ़ा ही नहीं और गीता भी नहीं पढ़ी। इसी कारण से क्या हो रहा है, धीरे 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 हम लोग बहुत दूर जाते जा रहे हैं, बहुत दूर जाते जा रहे हैं। और धीरे धीरे देखने में आएगा जो पुराने लोग है ना, जो पुरानी जनरेशन और नई जनरेशन में एकदम कटाव है, उनके विचारों में एकदम ऑपोजिट है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा जनरेशन गैप आ गया बीच में, उसको भरना मुश्किल हो गया। जैसे दादी बैठी है, दादी बैठी है ये भक्त स्वभाव की है, इनको जो संस्कार मिला है बचपन से गीता रामायण का मिला है, हा? हमारे जो भी संस्कार होते हैं हिंदू परिवार वो इनको संस्कार मिला है। लेकिन अब जो जनरेशन है, जैसे हम लोग बैठे हैं, अगर हमें हटा दो, हमें पप्पर तो गुरु जी की कृपा है, हम तो वैष्णव संघ में आए तो इतना कुछ जान गए। लेकिन जो नहीं है, जो हम खुद हमारे दोस्त वगैरह कॉलेज में स्कूलों में देखते हैं, जो मेरे साथ में जो नौकरी करते हैं, वो जो जितने लोग हैं उनका तो केवल एक ही काम है, 5 दिन नौकरी करना और 2 दिन पार्टी करना। वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर, ये तो उनका फंडा है, इस पे तो जिंदगी चल रही है, सारी जिंदगी ईएमआई लोन पे चल रही है सब। क्या करते हैं, 5 दिन नौकरी करी, खूब मेहनत करेंगे, फिर 2 दिन मुर्गा मटन चिकन, कहीं पार्टी का नाम आता है, कहीं बोलेंगे पार्टी, टीम पार्टी होगी, ऑफिस पार्टी होगी, तो सबसे पहले डिसाइड ये करते हैं कि कौन से ये चिकन मटन खाना है, दारू कहां से आएगी, ये भाई यही पहले डिसाइड करते बैठकर। भारत के अंदर कभी सोच भी नहीं सकता कोई कि भारत के अंदर ऐसा दिन आ जाएगा। आप सोच करके देखो, आज से 100 साल पहले 200 साल पहले कोई सोच सकता था कि भारत के अंदर ऐसा दिन आ जाएगा कि सभी बच्चे ऐसे ही हो जाएंगे। मैं एक दो बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, वहां सारे ही ऐसे ही, लगभग 80% ऐसे ही है, सेम सेम। 20% कुछ जिस तरह से तो बच गए, कुछ उनको शिक्षा अच्छे से नहीं मिली तो बच गए वो, बाकी सारे तो ऐसे ही हो चुके हैं। हृदय में कोई भावना नहीं, कोई भावना नहीं हृदय के अंदर। हाँ वैसे बहुत अच्छे हो गए, पढ़े लिखे हैं, समझदार, सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है, वो भक्ति नहीं है। वो भक्ति जो होना बहुत जरूरी थी वो चीज नहीं है। और इनकी दया भी कैसी है, बड़ी विचित्र दया है। बोला आई एम एनिमल लवर, बोला आई एम एनिमल लवर, हम कुत्तों से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम। कुत्ता कहीं दिख गया तो उसको जाकर के कपड़ा पहना देंगे, कुत्ता कहीं दिख गया उसको खाना खिला करके आएंगे, कोई जानवर बीमार है उसको एम्बुलेंस मंगवाएंगे करवाएंगे, और फिर बोलेंगे कि देखो मैंने कुत्ते को बचा लिया, कितना दया करी मैंने, चिकन खाते खाते ही बात करेंगे, मुर्गा खाते खाते बोलेंगे देखो हमने कितनी दया करी, कुत्ते को बचा लिया, अंडे खा के खाते खाते ये बात को बोलेंगे कि देखो हमने क्या दया करी कुत्ते के ऊपर। तुम्हारी दया जो है ना पार्शियलिटी है, एक से तो तुम इतना प्रेम है कि तुम उसे कपड़ा पहना रहे हो, सब कर रहे हो, और दो मुर्गे से तुम्हारी क्या दुश्मनी भैया, उसको तुमने कपड़ा पहना था जो खाई गए मार करके, उसकी चमड़ा उधेड़ दिया, बकरे के साथ में ऐसा किया, इसलिए बोले तुम्हारे अंदर बहुत सारे गुण हो, सब कुछ हो तुम्हारे अंदर, लेकिन अगर एक भक्ति का गुण नहीं, भगवान में शरणागति नहीं, गीता का ज्ञान नहीं, रामायण की शिक्षाएं जीवन में नहीं, तो जीवन फीका है। जीवन कैसा है, फीका। बहुत कुछ होने पर भी जैसे भोजन में नमक नहीं होता तो भोजन कैसा लगता है, बिल्कुल फीका। उसी प्रकार ये अगर जीवन, ये जो मनुष्य शरीर मिला, ये मिलने के बाद में भी अगर हमने भजन नहीं करा तो वो जीवन कैसा है, फीका। मीरा बाई कह रही है भजन बिना नर फीको, आली माने लागे वृंदावननी को। मीरा बाई इस बात को कह रही, साधारण व्यक्ति इस बात को नहीं कह रहा, बहुत बड़े बड़े लोगों ने इस बात को बोला है, और कुछ भी तो नहीं करना। पर ये अभी जो थोड़ी देर पहले गुरुदेव बता रहे थे ना कि माता जी से संस्कार जाता, माता पिता से संस्कार जाता, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप भागवत में भी देखोगे, जब ध्रुव नाराज होकर के आए हैं तो माँ ने उल्टी शिक्षा नहीं दी, बोले बेटा तू जाओ किसका भजन करो, भगवान का भजन करो, ये नहीं बोला तू बेटा ऐसे बोल देता, तू भी उल्टा सुना देता, ऐसे मार देता, ऐसे कर देता, ऐसा ही शिक्षा नहीं दी। क्या शिक्षा दी, कि उसने जो बोला एक बात तो सही बोली ना, कि भगवान का भजन करो। और देखो ध्रुव ने भगवान का भजन किया और भजन करके ऐसे पद को प्राप्त किया कि दूसरों के लिए तो असंभव है उसको प्राप्त करना, उनके पिता उत्तानपाद कभी भी उस पद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो पद ध्रुव महाराज ने वहां प्राप्त कर लिया। तो पहली गुरु कौन हो गई, माता जी पहली गुरु हो गई है। सचमुच में ही जो संस्कार जो मिलता है ना वो शुरू में ही मिल जाता है। हमारे जो पूरे के पूरे जो गठन है, आयुर्वेद पतंजलि पढ़ोगे तो उसके अंदर जो संस्कार बनता है हमारे अंदर, हाँ, एक ये बुद्धि को जो जब
बच्चा जब पूरा सीखना चालू करता है उसकी जो खास उम्र होती है वो 7 साल से लेकर के 14-16 साल तक होती है। उसके अंदर जो संस्कार पड़ता है वो एकदम वज्र की तरह पड़ता है, वो जिंदगी भर उसकी छाप नहीं जाती है, बनी रहेगी कहीं ना कहीं। लेकिन उसी समय पे ये मोबाइल टीवी ऐसा देख लेने से, उल्टी पुल्टी चीजें देख लेने से ऐसा संस्कार पड़ता है कि अच्छा होना होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अगर कुछ नहीं करने पर भी कम से कम गीता की थोड़ी एक दो बात, हाँ रामायण की एक दो बात, गीता कठिन लगती है तो रामायण तो आसान है, रामायण पढ़ा जा सकता है। रामायण के अंदर तुलसीदास जी ने सारे सिद्धांत वहां पे बड़े सुंदर सुंदर चौपाइयों में, आसान आसान चौपाइयों में। हम लोग जगत के अंदर कितनी मेहनत करते हैं, स्कूल में जाओ टीचर पे आश्रित रहो, क्यों? क्योंकि उसको आश्रित रहेंगे वो पढ़ाएगा, अच्छे मार्क्स आएंगे तो पास हो जाएंगे, कॉलेज जाओ तो प्रोफेसर, नौकरी करो तो मैनेजर, कहीं भी जाओ तो सीनियर, उसके आश्रित रहना पड़ता है। छोटे छोटे लोगों का आश्रय लेते 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 हम धीरे धीरे घसीटते घसीटते जीवन को निकाल देते। लेकिन तुलसीदास जी बोलते बोला ऐसे प्रभु में तुम्हारा विश्वास नहीं है जो क्या कर सकते हैं, जो खाक पे व्यक्ति हो उसको ताक पे बिठा सकते हैं और जो ताक पे उसको खाक में भी मिला सकते हैं, कोई उनको एक मिनट लगता है, एक मिनट। तुलसीदास जी कह रहे हैं मस्क ही करई विरंचि प्रभु अज ही मस्क से हीन अस जानी त्यज संशय राम ही भज ही प्रवीण। तुलसीदास जी कह रहे हैं इस जगत में इंटेलिजेंट कौन है, हु इज प्रवीण, हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, जो क्या कर रहा है, जिसका ये पूरा डाउट चला गया भगवान के ऊपर से और क्या करता है भगवान को आश्रय लेकर, भगवान का आश्रय करके चलता है। उसको पता है भगवान क्या कर सकते हैं, मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं और एक क्षण में ब्रह्मा को मच्छर भी बना सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, ताक से खाक से ताक में बिठा दिया और 2 मिनट में ताक से खाक में भी मिला सकते हैं। बड़े बड़े लोगों के साथ में ऐसा होता, आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग एक क्षण में कहां थे और एक क्षण में कहां चले गए, उसका नाम सुना है विजय माल्या का, विजय माल्या एक समय में क्या नाम क्या रुतबा क्या प्रॉपर्टी है, नए नए हॉस्टल्स के साथ में घुमा करता था, हैं क्या उसका देखो ठाट भाग, अब भागता फिर रहा है यूरोप के अंदर, छुपता फिर रहा है 2 मिनट में। लेकिन अगर हम भजन नहीं करेंगे तो सबके साथ में ऐसा होने वाला है। लेकिन जो भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं और इतने सुंदर, देखो भगवान प्रेम के वशीभूत होकर कितनी सुंदर सुंदर, जो थोड़ी देर पहले कीर्तन किया उसके अंदर स्पष्ट बताया भगवान को किसी का सौंदर्य, अगर कोई सोचे कि हम बहुत सुंदर हैं भगवान को अवश्य प्राप्त कर लेंगे, सुंदरता से भगवान किसी के पकड़ में आने वाले नहीं, सुंदरता से पकड़ में आ जाते तो बहुत लोग सुंदर बैठे पकड़ लेते। लेकिन शबरी कौन सी सुंदर थी, फिर जाती में जन्म हुआ, लेकिन भगवान प्रेम के मुझसे आगे झूठे बेर खाली। कोई बोले कि नहीं हमारा हमारे विद्वान है, हम पंडित पांडित्य से प्राप्त कर लेंगे, तो नहीं प्राप्त कर सकते। कोई सोचे हम व्रत आदि करके ऐसे वैसे करके भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, केवल एक ही तरीका है प्रेम, प्रेम जो इस जगत में सबको चाहिए, सब उसी के पीछे ढूंढ रहे, सब आनंद चाहते, सब प्रेम चाहते, प्रेम करना और प्रेम पाना। इसीलिए सारे संसार में लोग भाग रहे हैं सुबह से लेकर के शाम तक, जो चक्कर है ये क्यों चल रहा है, प्रेम के लिए, क्योंकि आत्मा की वृत्ति क्या है, भगवान से प्रेम करना। लेकिन वो गलती यहां पर हो गई है कि प्रेम जो है भगवान को करना चाहिए, भगवान को छोड़ करके बहुत जगह हम ढूंढ रहे हैं प्रेम को, इधर कुत्ते में, उधर बच्चों में, उधर संसार में, उधर पैसे में, उधर गाड़ी में, जड़ चीजों में, नश्वर चीजों में प्रेम को ढूंढने के कारण प्रेम कभी भी नहीं मिल पाता है। इसलिए ढूंढते 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 ये आदमी अंत में ठीक वैसे ही मर जाता है जैसे जैसे रेगिस्तान के अंदर पानी ढूंढते ढूंढते वो हिरण का मर जाता है, उसको जगह जगह पानी दिखता हो वो रहा देयर इज वाटर, लेकिन पास जाके देखता तो मिराज निकलता, केवल भ्रम, रेत में पानी का भ्रम है। उधर भागता है, उधर भागता, भागते 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 छटपटा करके राम नाम सत्य हो जाता है। इस जगत में भी ऐसा ही होता है, ये उदाहरण कोई झूठा उदाहरण नहीं है, ऐसा ही उदाहरण है। बड़े बड़े लोगों ने ये बात बोली है, स्टीव जॉब्स, हाँ ये एप्पल कंपनी का मालिक स्टीव जॉब्स, स्टीव जॉब्स का तुम लास्ट कॉमेंट देख लो क्या है, जो उसने लास्ट जो नर्स को बोल करके जो लिखवाया है ना, उसको आदमी को कोई पढ़ ले, उसका लेटर कोई पढ़ ले तो उसकी आंखें खुल जाएगी। एक संसारी आदमी है, भोगी आदमी, इतनी बड़ी बात बोल दी उसने, क्या बोल दिया, बोला मैं सोचता था कि मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया जीवन में, बोला लेकिन मैंने कुछ भी प्राप्त नहीं किया,
कुछ भी प्राप्त नहीं किया, बोला मैं कंगाल भिखारी होकर के जगत में रहा। बोला जब तक भगवान से इफ यू डोंट हैव अनकंडीशनल लव टुवर्ड्स गॉड यू आर लाइक अ बैगर, तुम भिखारी हो। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, प्रेम धन के बिना क्या है ये दरिद्र जीवन। और ये प्रेम धन क्या है, भगवान का नाम। ये कैसे प्राप्त होगा, ये भगवान से प्रेम करके। प्रेम कैसे होगा, भगवान का नाम, उनका गुण, उनकी कथा लीला आदि सुन करके। एक संत बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, तुलसी सब है? क्या धनवंतन है कोई सुतधारा और लक्ष्मी पावन कबीरा, कबीर जी ने बोला कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना है कोई, धनवंता सोई जानिए चाके राम नाम धन होई। बोला लोग बोलते ये धनवंत ये धाई धनी वो धनी वो धनी, कोई धनी नहीं है। वो बोल रहे सब निर्धन है। धनवान कौन है, जिसके पास कौन सा धन है, राम नाम का, जिसके पास में धन है। ये राम नाम से संसार से एकदम साधारण रूप में जीव कलयुग के अंदर पार हो सकता है। इसलिए हमारा मन लगे ना लगे, रीझ करके खींच करके कैसे भी करके अगर भगवान का नाम कर लिया, विश्वास ना भी हो तो भी कर लिया, तो समझो हमारा बेड़ा पार हो सकता है। तुलसीदास जी क्या बोलते हैं, तुलसी मेरे राम को रीज बजो या कीज, मोम पड़े उपजे सभी उल्टा सीधा बीज। जमीन पे पड़ने पर बीज सीधा गिरा हो या उल्टा गिरा हो, ऋतु आने पे उग जाएगा। इसी प्रकार भगवान का नाम है। सारे संतों ने कलयुग में आकर के केवल और केवल नाम की महिमा गाई है। कबीर ने भी नाम की महिमा गाई, नानक देव ने भी नाम की महिमा गाई। नानक देव क्या बोले, भय नाशन दुर्मति हरना कलि में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे सफल हो गई सब काम। सुदास जी क्या बोल रहे, जन्म तेरा बातो ही बीत गयो रे तूने कब हूं न कृष्ण भजो। सारा निकल गया, बचपन खेलते खेलते जवानी कमाते कमाते, लेकिन कभी भी कृष्ण नहीं बजा। तुलसीदास जी क्या कहते हैं, कल युग केवल नाम अधारा सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। नरसिंह मेहता बड़े भक्त हुए हैं, गुजरात के बड़े भक्त, हमेशा बोले नागर नंद जी के लाल भजो राधे गोविंद। बोला निरंतर राधा गोविंद का भजन करो। और नामदेव सब ज्ञानेश्वर जैसे राम कृष्ण हरि सब सब टोटल महाप्रभु, कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतारा नाम है ते है सर्व जगत निस्तारा, नाम बिना कलि काले नाही आर धर्म सर्व मंत्र सार नामेव शास्त्र मर्म। नाम की महिमा, इसीलिए समस्त शास्त्र वेद पुराण आज जो हम बैठ करके कथा सुन रहे हैं साधु संग कर रहे हैं, इस सब का फल क्या है, भगवान का नाम, भगवान की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठाकुर का नाम ले लो, हरि बोल हरे कृष्ण। देखो जिस बच्चे के उद्देश्य में आपका बेटा का बर्थडे ना दो दिन बाद में ना, हाँ, जिन बच्चे के उद्देश्य में हम ठाकुर का नाम ले रहे हैं वो बच्चे को जरूर ये संस्कार पड़ेगा। शास्त्र में बताया मंगल भवन अमंगल हरि, भगवान का नाम जिसके उद्देश्य में करोगे उसको जरूर कल्याण होगा। इसलिए पुराण में कहता है मधुरम मधुरम मेथा, ठाकुर का नाम मीठे से भी सबसे मीठा है, हैं? मंगल से भी मंगल ठाकुर जी की नाम ही है। इसलिए जिसके उद्देश्य के लिए हम कर रहे हैं, जो बच्चे के उद्देश्य के लिए, वो बच्चे के ऊपर अच्छा संस्कार पड़ेगा, हैं? अच्छे संस्कार पड़ेगा, एक दिन बच्चा आपका धीरे 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 भगवान की भक्ति में धीरे धीरे बच्चे आएंगे। इसलिए अभी तो लोग अपना बर्थडे में केक कटवाना दिया जलाना क्या उसमें मोम जलाते हैं, इसलिए बहुत बहुत अच्छी बात। हाँ, इसीलिए आपको सब पर संस्कार है ना, आप पहले पहले की है ना, इसलिए आपको अच्छे संस्कार है, इसलिए आप भी कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपका संस्कार से बेटा तभी तो भजन में आया ना बेटा, तुम्हारी पुण्य से तो आया बेटा भजन में, हाँ, क्योंकि माँ की पुण्य से। इसलिए भागवत में एक श्लोक आया है,
कहते बंसे में जब एक बेटा प्रभु का भक्ति करते हैं उसका 21 पीढ़ी उद्धार हो जाता है, कि भगवान नरसिंह देव कह रहे उसको 21 पीढ़ी। और जिस पिता माता की कोख से बच्चा जन्म लेते हैं वो पिता माता का जीवन धन्य हो जाता है। बोले नृत्यते स्वर्गे पितर पितर साम, जो पूर्वज लोग पहले चले गए जब देखते हैं वंश में कोई प्रभु की भक्ति करना शुरू करते हैं नाचना शुरू कर देते हैं वो लोग, बोले हमारे अहोभाग्य हमारे वंश में भक्ति करने वाले बच्चे जन्म हुए हैं, अभी हम तो जरूर हमारी उद्धार हो जाएगी हैं, हमको और कष्ट भोगना नहीं पड़ेगा। कहते वसुंधरा वसतिश्च धन्य, जिस पृथ्वी के ऊपर में वो बच्चा जन्म लेता है वो पृथ्वी भी धन्य हो जाती, इतने भाग्य है जिस वंश में एक कोई भक्ति करने वाले बच्चा जन्म ले ले। ये नरसिंहदेव खुद ये बात को कह रहे हैं, इसलिए लगता है आपका पुण्य प्रताप से बच्चे को भक्ति मिली, अभी इनकी पुण्य प्रताप से आप लोग भी कोशिश करना आपको बच्चों को पर भी अच्छे संस्कार पड़े, वो भी भगवान की भक्ति करे भजन करे, लेकिन पहले आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको देख करके बच्चे लोग धीरे धीरे ये सब के सब सीखेंगे, ठीक है। इसलिए थोड़ी सी आपका बच्चे का आत्मा को शांति मिले, कल्याण हो, उसको भी धीरे धीरे भक्ति में रुचि हो, इसलिए उसके उद्देश्य में हम थोड़ी सी कीर्तन करते हैं, ठीक है। ठाकुर का नाम मेरे पीछे पीछे देखो, जो हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं ना, इसमें तीन नाम है, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, इसमें तीन नाम है हरे कृष्ण राम। हरे मतलब क्या है, जो हमारे जीवन का दुख कष्ट को जो हर ले, इसलिए उनका नाम हरि से ये हरे हो गया। कृष्ण मतलब क्या, हमारा मन बड़ा चंचल भटकता है, इधर उधर लगती नहीं है, भक्ति में लगती नहीं। क्री मतलब होता है खींचना, आकर्षण करना। स्ना मतलब होता है आनंद देना, मतलब कृष्ण बोलने पर ये जो भटकता हुए मन को जो भटकने नहीं दे और आनंद दे। बोले राम मतलब क्या है, बोले जीवन में जो आराम और सुख शांति प्रदान करे। इसमें तीन नाम है हरे कृष्ण, अगर इसको जप करेंगे ना आपका तीन फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा, हरे बोलने सारे दुख कष्ट दूर हो जाएगी, कृष्ण बोलने से क्या होगा ये जो भटकता हुआ जो मन है ये भटकेगा नहीं, और राम बोलने से क्या होगा बोलो जीवन में आराम मिलेगा। अगर हम ठाकुर का नाम लेते हैं हमें ये तीन चीज मिलेगा। आप लोग सब ताली बजाते हुए मेरे साथ में थोड़ा कीर्तन करो। और आज का जो दिन है ना बहुत बड़ा दिन है, बताओ क्या है, आज एकादशी तिथि है। और आज का जो एकादशी का दिन पुत्र का एकादशी, आप लोग एकादशी व्रत रखते हो, कौन कौन रखती हो, डॉक्टर साहब और उनको पत्नी भी करती है, और आप भी करती हो, आप दोनों करते हो। हाँ देखो आज जो एकादशी है ना, एकादशी बारे में थोड़ी सुन लो, जो एकादशी को बताया ये कल्पतरु व्रत है, ध्यान देकर इसको। कल्पतरु व्रत मतलब होता है आप एकादशी करके जो कुछ मांगोगे ना सब मिलेगा, जैसे कोई सोमवार कोई मंगलवार कोई बुधवार अलग अलग व्रत रखते हैं, उसका एक ही फल है, दो फल नहीं, लेकिन ये 15 दिन में एक बार एकादशी आती है। कभी एकादशी का ग्रंथ आप पढ़ करके देखना, आज जो एकादशी है इसका नाम पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा मतलब जिसको घर में पुत्र संतान नहीं होता है, अगर ये एकादशी करे तो घर में पुत्र संतान आते हैं। अब शास्त्र पढ़ कर देखो, नंद बाबा का पहले पुत्र नहीं था, उनने हर बार व्रत उनने ऐसे तपस्या, उन्होंने ऐसे कोई पुण्य कर्म नहीं जो नंद बाबा नहीं किया, लेकिन एक दिन जब ये पुत्रदा एकादशी आई तो एक दिन पहले नंद जसोदा सोच रहे हैं, हमने तो सारे बार व्रत रखा है लेकिन अभी तक ये पुत्रदा एकादशी हमने नहीं किया है, चलो हम दोनों ये पुत्रदा एकादशी करते। जब एकादशी किया उसकी फल स्वरूप में कृष्ण घर में जन्म लिए, इसलिए आज और एक इसको पहले जो एकादशी गई बोले पाप मोचनी। पाप मोचनी मतलब क्या, जो एकादशी व्रत करने 15 दिन में जो एक एकादशी उसका अलग अलग फल है। पाप मोचनी मतलब जिसका सारे पाप को नष्ट कर देता है। एक एकादशी का नाम इंदिरा, इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी। घर में अगर पैसा की कमी है लक्ष्मी की, कभी वो एकादशी कर घर में लक्ष्मी आती है। एक एकादशी का नाम अर्णदा, अर्णदा मतलब जिनके घर में अन्न शस्य की कमी है वो एकादशी करके तो घर में अन्न आती है। एक एकादशी का नाम विजया, विजया मतलब अगर वो एकादशी करोगे सर्वत्र तुम्हारी विजय होगी। एक एकादशी का नाम मोक्षदा, जिसको करने से जन्म मृत्यु के चक्र से तुम्हारी मुक्ति मिल जाएगी हैं। इसलिए अब भागवत पढ़कर देखो, कोई बार व्रत का नाम नहीं वहां नहीं है, केवल एकादशी कथा थी। जिसको नंद जसोदा रखे, जिसको अम्बरीश महाराज एकादशी व्रत रखते थे, दुर्वासा कैसे उनको मारने के लिए कोशिश किया, कैसे चक्र प्रकट होकर के दुर्वासा को उन्होंने पीछा किया,
ये शंकर जी का अवतार ब्रह्मा को पास में गए, रक्षा नहीं किया। उनने शंकर जी को पास में गए, रक्षा नहीं किया। लास्ट में विष्णु को पास में गए तो भगवान भी रक्षा नहीं किया उसको। लास्ट में अम्बरीश के चरण में माफी मांगना पड़ा। इसका मतलब है जो एकादशी व्रत रखते हैं ठाकुर का सुदर्शन चक्र उसको रक्षा करते हैं। ठाकुर के सुदर्शन भागवत पढ़कर देव कभी सुने होंगे, चक्र उसको रक्षा करते हैं। इतने महिमा ये एकादशी व्रत की। जैसे आप कोई व्रत नहीं रखोगे ना सोम मंगल भूत, आपको कोई दोष नहीं लगेगी। लेकिन एकादशी व्रत नहीं रखो दोष लगेगी। आप शास्त्र पढ़कर देखो, कहते एकादशी का दिन अर्ण में गो हत्या, नर हत्या, भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, पिता माता हत्या, सारे पाप एकादशी का दिन अर्ण में आश्रय करके रहते हैं, हैं? सारे पाप उसमें आश्रय करके रहते हैं। इसलिए एकादशी का दिन जो अर्ण खाएगा उसको सारे पाप भोगना पड़ेगा उसको। और कोई व्रत नहीं करो आपको कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन एकादशी नहीं करोगे तो दोष है। इसलिए अब संसार में देखना, जैसे कोई व्यक्ति साल साल से बिस्तरा में पड़े रहते हैं, मृत्यु नहीं हो रही, बड़ी कष्ट उठा रहे हैं। अब किसी ब्राह्मण को बुलाओ, उनको पूछो इनको जल्दी जल्दी सदगति कैसे होगा। अब देखना कोई बार व्रत का नाम नहीं बताएगा, बोलेगा कोई एकादशी व्रत करके इसका फल दे सकते हो। सोमवार नहीं बोलेगा, मंगलवार बुधवार कोई व्रत नहीं बोलेगा। कोई है जो कि एकादशी व्रत करके आप इसको फल दे सकते हो? एक व्रत का नाम बताएगा। क्यों? ये एकादशी साक्षात भगवान विष्णु कृष्णा नारायण राम का ही व्रत एकादशी व्रत है, हैं? इसलिए एकादशी व्रत जैसे और किसी व्रत की महिमा इतना हो ही नहीं सकता जितनी एकादशी की महिमा है। इसलिए भले आप कोई व्रत मत रखा करो, लेकिन जरूर एकादशी व्रत को रखनी चाहिए। एकादशी व्रत को अगर भक्ति नहीं होगी, भक्ति के जननी बताए, भक्ति नहीं होगा तो भगवान तुमको मिलेगी नहीं। इसलिए एकादशी व्रत को तो जरूर रखा करो, ठीक है माताएं? इसलिए एकादशी व्रत को घर में एकादशी व्रत रखो। एकादशी का दिन अन्न नहीं खानी चाहिए, खाने के लिए तो बहुत जैसे भूखा नहीं रहा। दादी खा, कुट्टू पकौड़े कहे उसमें एकादशी का दिन देखो खाने का कोई दोष नहीं। देखो हमारे जो मंदिर में है ना, संत लोग तो सोचते भाई एकादशी कब आएगा, क्यों रोज रोटी सब्जी खा रही है। एकादशी कभी फ्रूट सलाद बना देते हैं, बड़े सुंदर पकौड़ी बना देते हैं, पुट्टू आटा की है, और उसी दिन बड़े सुंदर आलू की सब्जी बना देते हैं, मखाने की खीर बना देती है, मूंगफली बुन देते हैं, मखाना है। उसी दिन तो खाने के लिए इतनी चीज है ना हमारे मंदिर में, तो संत लोग कहते भाई एकादशी कब, एकादशी नहीं आ रही। और पुट्टू आटा की बर्फी, जो सिंगड़ा की बर्फी, इतने सुंदर प्रसाद बनता है ना, जो सोच अगर एकादशी हमारे मंदिर में एक बार कर देना, पहले पूछते रहते बाबा कब एकादशी आई। इसलिए 12 बजे तक कुछ मत खाया करो। अगर किसको विशेष कोई भूख है तभी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई बीमारी है आप खा सकती हो, लेकिन इसलिए अन्न खाओ। इसलिए कहते हैं उसको अन्न नहीं खा करके, जैसे दही मट्ठा पी सकते हो, कोई फल भी खा सकते हो, ससा खा सकते हो, है खीरा खा सकते हो, और उसमें बहुत सारी चीज है। जैसे आपको डायबिटीज की बीमारी है, देखो आप यूट्यूब खोल कर देखना, अभी एक नया डॉक्टर निकला है, वो कहते हैं आपको खोल कर देखना, उसमें ये बताए कोई कहते ना डायबिटीज बीमारी को 2-2 घंटा में खानी चाहिए, कहते नहीं, बल्कि नहीं खानी चाहिए, कहते कम से कम 16 घंटा आप फास्टिंग रखो, 16 घंटा, कहते जैसे सूर्य उदय अस्त होने से पहले खा लो 5-6 बजे, कहते 12 बजे तक जो कुछ खाना खाते उसका डाइजेशन करके लगता है, उसको बाद में जो पेट में भूखे रहोगे तुम्हारे जो ब्लड है धीरे धीरे पतला होने शुरू करेगा वो बीमारी को। अभी साइंटिस्ट रिसर्च करके कहते हैं जो फास्टिंग है, साइंटिस्ट साइंटिफिकल कुछ रीजन है, ये कैंसर तक भी सही कर देता है, कैंसर तक भी सही कर देता है ये फास्टिंग। इसलिए वो कहते हैं आप 5 बजे अगर शाम को खाने, तो 6 बजे 16 घंटा तक मत खाया करो। नहीं खाने पर क्या होगा, आपका जो धीरे 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 आपको जो शरीर धीरे धीरे शुद्ध होने हो जाए, शरीर को क्लीनिंग करना शुरू करेगा। क्योंकि बकरी जैसे अगर 2-2 घंटा खाओगे, उदाहरण जैसे रोड है, अगर रोड को साफ करना तो ट्रैफिक को बंद करना पड़ेगा, तभी तो जाकर रोड को साफ कर सकते हो। इसलिए वो कहते हैं फास्टिंग ज्यादा करोगे तो तुम्हारी शुगर एक दिन तुम्हारी खत्म हो जाएगी, तुम्हारी खत्म हो। अब देख लेना, तो एक लड़का लड़की उसमें क्लास जैसे यूट्यूब में आती है उसमें, अब देख कर देखना। इसलिए फास्टिंग रखो तो अच्छा रहेगा, हैं? शरीर अच्छा होगा, खराब नहीं होगा, बल्कि शरीर अच्छा रहेगा। इसलिए मेरे भी डायबिटीज है, इसलिए मैं भी अभी कोशिश करता हूँ अभी उसको फॉलो करने के लिए, हैं? अब स्वयं करके देख लो, हैं? स्वयं उसको फॉलो करके देख लो।
इसलिए फास्टिंग रहना, इसलिए तो ऋषि मुनियों ने सोमवार मंगल व्रत क्यों रखे, एकादशी व्रत क्यों रखे, कारण क्या है, बीमारी शरीर को सही करने के लिए उन्होंने व्रत रखे। इसलिए कहते जो एकादशी है साइंस भी है, क्या साइंस है, उदाहरण देते हैं जैसे कोई बच्चा स्कूल जाता है, सैटरडे संडे छुट्टी रहता है कि नहीं, छुट्टी रहता है कि नहीं, क्यों छुट्टी रहता है, सात दिन पढ़ाओ ना उसको, बोले पागल हो जाएगा। जैसे स्कूल जाते आठ पीरियड होता है, एक पीरियड रिसेस होता है, छुट्टी होता है, क्यों, ये ब्रेन को फ्री करने के लिए है। ये शरीर भी एक मशीन है, कोई भी मशीन को कंटिन्यू चलाओगे तो ज्यादा दिन नहीं रहेगा, ज्यादा दिन ये नहीं चलेगी, ये शरीर एक मशीन है। इसलिए एकादशी इसलिए रखे, मशीन को बीच बीच में कभी 15 दिन एक बार उसको रेस्ट दो, बकरी जैसे दिन भर मुंह मत चलाया करो बकरी जैसे, इसलिए रेस्ट दो शरीर को, रेस्ट देने पर शरीर में क्या होगा, जैसे शनिवार इतवार को जैसे छुट्टी रहता है, पर दूसरे दिन से क्या होता है, सोमवार से बच्चे बढ़िया से पढ़ना शुरू करते हैं। इसलिए शरीर को थोड़ा रेस्ट दोगे तो ये शरीर का बीमारी भी सही होगा और बढ़िया से ये शरीर ये काम भी करेगा बढ़िया से है। इसलिए शरीर को भूखा रखना थोड़ी सही है, थोड़ा सही है, ठीक है ना। इसलिए एकादशी व्रत रखो, एकादशी व्रत जैसे दुनिया में कोई व्रत है ही नहीं। अगर ज्यादा भूख लगता है अब खाओ, खाने के लिए तो ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, दूध दही मिठाई, मिठाई देने का दूध दही खाओ, फल खाओ, कितने तरह का फल है जो आपको डॉक्टर बोलता है कि फल को खाओ, सलाद बना कर खाओ है। इसलिए एकादशी व्रत जरूर रखा करो, ठीक है। हाँ, एकादशी जैसे व्रत नहीं, दुनिया में सबसे बड़ा व्रत एकादशी व्रत है, और आज एकादशी व्रत है, और आज का दिन भगवान कहते हैं अगर कोई एक माला करेगा ना 100 माला करने का फल मिलेगा। एकादशी की बहुत महत्व एकादशी की है, ये भगवान की व्रत एकादशी व्रत, ठीक है। थोड़ी हाथ में ताली बजाते हुए थोड़ा कीर्तन करना, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम राम
सबके सबके लिए उठा बुला दो और पांच मिनट बुलाओ। तुम तो तुम्हारी बेटी थी ना, तुम्हारी बेटी थी ना, दोनों कहाँ गई? शशि को बुलाइए। हाँ उनको बुला दो, सबको बोलो बाबा पांच मिनट बुला रहे। शशि आ जा। क्या उधर से भी रोड है जाने के लिए? उधर भी खुला हुआ है। हाँ बैठ जा, दो मिनट बैठ जा। और दो तुम्हारी बेटी कहाँ गई? अंदर है। क्या कर रही है? आ जाओ शशि। हाँ उसी का नाम है शशि है। और एक का नाम? एक बेटी है, दो बेटे हैं। नहीं की शशि। हाँ बैठ जाओ, पांच मिनट बैठो। अच्छा पता जी बैठा, पांच मिनट बैठो। हाँ ये प्रभु जी आपके एक सुंदर स्टोरी सुनाएंगे। अरे ये स्टोरी को ना अब याद कर लेना, ठीक है? अब ये स्टोरी जिनको सुनाओगे उसका मन भी प्रभु की भक्ति में लग जाएगी, ठाकुर जी चरण में उसकी भी मान ले। बहुत एक अच्छी स्टोरी सुनाएगी प्रभु जी। हाँ सुना। अज्ञात मेरा अंदर से ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुर्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। देव गुरुदेव का आदेश हुआ है एक स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करो, कहाँ पर हमको टाइम देना चाहिए, किस तरह से हम अपना टाइम का ठीक से यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या हमारे साथ में जाएगा। एक राजा था, एक उस राजा की चार पत्नियां थी। कितनी थी? चार। वो चारों का डिस्क्रिप्शन मैं आपको देता हूँ, फिर आप मुझे बताना, ठीक है? पहली रानी थी। आप तो उत्तर देंगे, आपको पूछेंगे, ठीक है? तो अच्छे तरह से बोलो। पहली रानी थी, वो राजा उसको सब बहुत ज्यादा प्रेम करता था, उसको सबसे ज्यादा प्यार राजा करता था। जो भी उसको चीज की जरूरत होती थी वो उसको लाकर देता था, उसको समय समय पर साड़ी वगैरह जो भी उसको चीज की जरूरत होती थी राजा उसकी हर डिमांड पूरी करता था, उससे बहुत ज्यादा प्रेम करता था, ठीक है? दूसरी उसकी एक रानी थी, वो देखने में बड़ी सुंदर थी, देखने में बड़ी सुंदर थी। जब भी राज्य में जाता था भ्रमण करने के लिए अपने रथ में उसको पास में बिठाएगा और सभी लोगों को दिखाता था कि देखो मेरी एक रानी है, ये कितनी सुंदर है। सबको जाकर दिखाता था कि मेरी रानी कितनी सुंदर है। तीसरी एक रानी थी, वो बड़ी मीठी मीठी बातें करती थी उससे राजा के साथ में। जब भी राजा का मन होता कुछ किसी के साथ बैठने का तो उस रानी के साथ में बैठता, बड़ी सुंदर सुंदर बातें करती हुई, मीठी मीठी बातें करती, ठीक है? चौथी एक रानी थी,
उससे शादी करके उसको जब से महल में लेकर आया है उससे ज्यादा कुछ ताल्लुकात नहीं था, उसको हमेशा नेग्लेक्ट करके रखता था। कुछ उसको जरूरत है नहीं है, क्या है कैसी है, अभी है नहीं है, उससे उस पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देता था। ठीक है, अभी राजा का अंतिम समय आया, राजा की मृत्यु आने वाली है। राजा ने सोचा मेरी चार चार रानियां हैं, मैंने इतना इनको समय दिया है, मेरे साथ में कौन जाएगा, मैं जाकर पूछता हूँ जाकर। सुनो, हाँ, पहली रानी कौन सी थी? जिसको प्रेम करता था, सबसे ज्यादा प्रेम करता था, उसको जो भी चीज की जरूरत होती थी वो उसको लाला कर देता था, है ना। उस रानी से उसने पूछा राजा ने कि देखो मेरा अंतिम समय आ गया, मेरी मृत्यु होने वाली है, तुम मेरे साथ में चलोगी? तो रानी ने बोल दिया मैं आपके साथ में नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ में एक कदम भी नहीं चल सकती। ये सुन के राजा तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बोले इसको मैंने सबसे ज्यादा प्रेम किया, जो भी चीज की जरूरत थी सब लाके दिया, और ये बोल रही एक कदम भी मेरे साथ में नहीं जाएगी। उसको बड़ा धक्का लगा सुन के। उसने बोला चलो दूसरी वाली से पूछता हूँ। दूसरी रानी से पूछा, दूसरी रानी कौन सी थी? जो सबसे सुंदर थी। उससे पूछा था कि क्या तुम मेरे साथ में चलोगी? उस रानी ने बोला कि मैं तुम्हारे साथ में चलूंगी, मैं सोच रही हूँ कब तुम मरोगे और कब मैं किसी और से शादी कर लूंगी। और ये सुन के राजा बड़ा हैरान हो गया, तो क्योंकि वो रानी क्या बोल रही थी, मैं देखने में इतनी सुंदर हूँ, मेरे से तो कोई भी शादी कर लेगा, तुम मरोगे मैं किसी और से शादी कर लूंगी, मैं तो ये प्लान करके बैठी हूँ। राजा को बड़ा धक्का लगा। तीसरी रानी के पास में गया, तीसरी रानी कौन थी? जिससे जिसके साथ में बिल के बातें करता था। तो राजा ने उस तीसरी रानी से पूछा कि तुम मेरे साथ में चलोगी? तो उसने कहा कि राजा तुमने हमारे साथ में बड़ा समय व्यतीत किया, हमारे साथ में मीठी मीठी बातें भी करी, तुम कहोगे तो थोड़ा तुम ज्यादा नहीं चार कदम तुम्हारे साथ में चल सकते हैं। बोले चार कदम साथ में चलना भी कोई चलना हुआ है? बोले थोड़ा दूर और आगे जाके जा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ में फाइनल डेस्टिनेशन तक तो हम नहीं चलेंगे, तुम्हारे साथ में नहीं जा सकते। उस रानी ने भी मना कर दिया। राजा बड़ा ही दुखी होके अब सोच रहा है चौथी वाली को तो मैंने खुद नहीं नेग्लेक्ट कर रखा था पूरे जीवन भर, उससे क्या पूछना, फिर भी पूछ लिया बेशरम होके। तो उस रानी से जब पूछा चौथी रानी से, तो उसने बोला कि देखो राजा तुमने मुझे पूरा जीवन इग्नोर करके रखा, मेरे को क्या चीज की जरूरत थी क्या आवश्यकता है तुमने कभी मेरे उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैं तुम मेरे को जब से शादी करके लाए हो मैं तुम्हारे प्रति मैं अपना पति धर्म पालन करूंगी, मैं ही तुम्हारे साथ में चलूंगी। ये राजा को सुन के वो बड़ा प्रसन्न हुआ। अभी देखो ये चार रानियां जो है, ये राजा की जो घटना है ये हमारे जीवन पर ही आधारित है। कैसे? हम भी वो राजा के समान है और हमारे भी चार चार रानियां हैं। समझो कैसे? जो पहली रानी थी, पहली रानी कौन थी? जो सबसे ज्यादा प्रेम करता था, जिसको राजा जिसको सब चीज जरूरत ला कर देता था, वो ये रानी कौन है? ये रानी है हमारा शरीर, हमारा ये शरीर। हम ये तो सबको मालूम ही है हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये शरीर के अंदर एक आत्मा है ना, तो वो आत्मा है वो कौन है? वो राजा है। और उस राजा की पहली रानी हुई ये शरीर। इस शरीर को जब भी किसी चीज की जरूरत होती है हम उसको लाकर देते हैं, भूख लगती है इसको खाना खिलाते हैं, कभी ठंड लगता है गर्म कपड़े पहनाते हैं, गर्मी लगती है एसी में बैठते हैं, पार्लर में ले जाते हैं, सलून में ले जाते हैं, अच्छे से सजते सजते जो भी इस चीज की जरूरत होती है उस हम शरीर की जरूरत को पूरा करते हैं कि नहीं। लेकिन जब हमारी मृत्यु होती है, जब हमारा अंतिम समय आता है, तो उसके बाद में ये शरीर क्या हमारे साथ में जाता है? ये शरीर यहीं पड़ा जाता था, एक कदम भी हमारे साथ में, जैसे वो रानी नहीं जा रही थी राजा के साथ में एक कदम भी, वैसे ये शरीर भी हमारे साथ में नहीं जाता। दूसरी रानी कौन सी थी? जो देखने में बड़ी सुंदर थी। ये दूसरी रानी कौन है? ये दूसरी रानी है हमारा पैसा, हमारी जायदाद, हमारा सारी धन संपत्ति जो है, हमारा सारा ऐश्वर्य। ये रानी ने क्या कहा था कि मैं तुम जब मरोगे मैं किसी और से शादी कर लूंगी। जब हमारी मृत्यु होती है हमारा बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी कुछ भी हमारे साथ में जाता है, फट से दूसरे के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है। पिता होगा तो उसके बच्चों के नाम पर ट्रांसफर हो जाती है ओनरशिप पूरी, है कि नहीं? किसी और से शादी जिस प्रकार उस रानी करने की कह रही थी, ऐसे ही ये प्रॉपर्टी पैसा सब चीज यहाँ का यही पड़ा रह जाता है। एक सुविधा का भी कोई अपने साथ में लेकर जा सकता है? पूरा जीवन हम पूरा कमाने में पूरा पैसा इकट्ठा करने में जिसमें पूरा समय देते हैं, लेकिन हमारे साथ में एक फुटी कौड़ी भी नहीं जाती। लेकिन हम दिखाते सबको यही कि देखो हमारे पास में कितना पैसा है, जैसे वो राजा पूरे राज्य में दिखाता था उस रानी को, हम भी पूरा जीवन किसमें निकालते हैं? देखो हमने कोई भी फंक्शन होगा अच्छे से अच्छा ऑर्गेनाइज करेंगे, लोगों को दिखाएंगे हमारा कितना ऑपुलेंस है, कितनी महंगी कार है हमारे पास में, ये बढ़िया साड़ी पहन रखी है, ये है ना, हर चीज हम लोग दिखाना चाहते हैं ये। लेकिन हमारे साथ में ये चीज नहीं जाती है, हमारे साथ में नहीं जाती है। तीसरी रानी कौन थी? जो मीठी मीठी बातें करती थी, वो है हमारे सारे फैमिली मेंबर्स, हमारे दोस्त यार भाई बंधु।
ये लोग भी हमारे साथ में बातें करते हैं, अच्छे से दुख में साथ में रहते हैं, सुख में भी कुछ बातें करते हैं, हमारे साथ में रहते हैं, लेकिन अंतिम समय पर क्या होता है, हमारे साथ में जाते हैं? कोई भी नहीं जाता। हम सुंदर अर्थी सजाते हैं, शमशान घाट तक लेकर जाते हैं, फूक के और बैक टू होम, है कि नहीं? लेकिन चौथी रानी जो थी, चौथी रानी जिसको राजा सब समय नेग्लेक्ट करके रखता था, ये चौथी रानी है भगवान का भजन, भगवान का नाम, हरि नाम, जो हम लोग कभी करते नहीं है, जिसको हम लोग सब समय नेग्लेक्ट करके रखते हैं। लेकिन अंतिम समय पर ये रानी ने ही जाने के लिए साथ में कहा, ये रानी ही साथ में जाती है भगवान का। जितना हम नाम कर रहे हैं, जितना हमने भगवान को समय दिया, जितना हम लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जितना हमने समय प्रभु की भक्ति में दिया है, हरि नाम करने में दिया है, वो ही हमारे साथ में जाता है। इसलिए मीराबाई का एक भजन है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हमारे पास असली धन क्या है हमारे जीवन में, जो भगवान का हमने नाम लिया है, राम का, कृष्ण का जो हमने नाम लिया है, वो ही हमारे पास असली धन है। उसके अलावा जो ये जगत का धन है, ये धन यही रह जाएगा, ये धन हमारे साथ में जाएगा नहीं। और ये मीराबाई कहती है, ये धन जो है ये कैसा है, ये चोर नहीं लेवे, लूटे नहीं जावे। अगर तुम भजन कर रहे हो, अगर तुमने भगवान का नाम लिया है, इसको कोई चोर चोरी नहीं कर सकता। दिन दिन बढ़त सवायो, अगर जैसे आप बैंक में पैसा जमा करवाते हो, कुछ इंटरेस्ट मिलता है ना, यहाँ पर मीराबाई कह रही है कितना इंटरेस्ट मिलेगा, सवाल दिन दिन बढ़त सवायो, हर एक दिन 25% का इंक्रीमेंट मिलेगा, और दो दिन में, चार दिन में दुगना हो जाएगा। ऐसा ऐसा स्कीम कोई देता है? कोई भी बैंक नहीं देता होगा, है ना? ऐसा इंटरेस्ट भगवान के नाम पे मिलता है। और जब जाने ही यही साथ में वाला है, तो फिर इसके अंदर हम कितना टाइम दे रहे हैं, आप सोच के, आप पूरा अपना शेड्यूल देखो, कितना टाइम हम इस चौथी रानी के प्रति दे रहे हैं, कितना टाइम हम भगवान के नाम करते हैं, कितना टाइम हम भगवान को दे रहे हैं। इधर देखो, अब चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने हो? सुने हो? राधा कृष्ण दोनों मिलकर चैतन्य महाप्रभु के नाम, जब वो गृहस्थ लीला कर रहे थे, एक समय उनका भक्तों ने बोले, प्रभु हमारे घर में आपका भोजन है, लेकिन भगवान एक चीज सिखा देने के लिए बोले, देखो मैं सबके घर में भोजन नहीं करूंगा। तो उनने पूछे, प्रभु आप किसको घर में भोजन करोगे? बोले जो लखपति बनेगा। और आज से 550 साल पहले, लखपति मतलब उस समय जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण मोहर, भक्त तो दुखी हो गए, बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया तक भी नहीं है, आप तो लाख की बात कर रहे हो, 100 रुपया में जिसका 100 स्वर्ण मोहर होगा। तो बोले कि हमारे घर में आप भजन ही नहीं करोगे? तो भगवान क्या कहते हैं, बोले जानते हो असली लखपति कौन? बोले कौन? बोले रोजाना जो 1,00,000 ठाकुर जी का नाम जब कहते हैं, वही असली लखपति। इसलिए मीरा का एक भजन है ना, ले लो रे कोई राम का प्यारा, हाँ बाज लगाऊ गली गली, राम नाम के हीरे मोती, जानते हो ना भजन को, मैं बिखराऊ गली गली, जिन जिन ने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए, माया के जो बने पुजारी आखिरियो कंगाल हुए, सोना चांदी माया वालों में समझाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं। आप लोग भजन सब गाते होंगे, सब जानते हो, इसलिए असली जो ध्यान है ना भगवान का नाम का, आप मेरे तरफ पे देखो, आप कैसे लखपति बने, कि भगवान स्वयं इस चीज को सिखा दे रहे हैं। जैसे माला है ना, इसमें 108 मोती इसमें है, जो ये माला हम जब करते हैं, जैसे इधर से, जैसे हरे कृष्ण हरे, बोलो मेरे साथ में, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें एक मोती सरकाती है, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, फिर इसमें दो मत सरकाते हैं। देखो 1,00,000 ऐसे होता है, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 16 बार हो गया। तो एक बार इसको बोला, 16 बार हो गया, इसमें 108 मोती हैं। जब हमने एक राउंड कर लिया, जैसे यहाँ हम खत्म कर देते हैं, फिर इसको पार नहीं करते हैं, इसको पार नहीं करते, फिर ऐसे घुमा देते हैं, घुमा कर दूसरे तरफ से करते हैं, फिर दूसरी माला करते हैं। अगर हमने इसे 16 माला कर लिया ना, वो हिसाब से होता है 25,000 हो जाता है। अगर हमने 64 माला कर लिया तो वो हो गया 1,00,000। 64 माला कितना हो गया? 1,00,000। कि भगवान खुद कहते हैं, बोले तुमने 1,00,000 माला नहीं किया, बोले क्या किया? बोले आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपोजिट, ठाकुर स्वयं कहते। बोले भैया ब्याज कितना मिलेगा? बोले दिन बढ़त सवाय, आज अगर 1,00,000 नाम किया तुमको 1,25,000 कल मिलेगा, और चार दिन में ना 2,00,000, चार दिन में 2,00,000। मतलब ये धन इतने तेजी से ये धन बढ़ेगी।
और अंतिम समय में आप सुने होंगे जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, राम नाम सत्य है, ये बोलते हैं ना, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है। मतलब क्या, जितने तुमने ये नाम जप किए हो केवल वही धन तेरे साथ में जा रहे हैं, इसके सिवाय तुमने जितना कमाया धमाया है ना, एक सुई धागा भी तेरे साथ नहीं जा रही। जिस पत्नी को शादी किया वो दरवाजा तक जाएगी, परिवार स्मशान तक, उसका आगे क्या जाएगा, जितने भगवान की तुमने नाम जप की वही धन ही तुम्हारे साथ में जाएगा, ठीक है ना। इसलिए जो चौथी रानी यही है, लेकिन हम जीवन में उसको नेग्लेक्ट करके रखे। अगर बोलेंगे थोड़ा तो माला जप कर, बोले समय कहाँ, लेकिन टीवी आ जाए ना, उल्टा पुलटा पिक्चर आ जाए, तीन तीन घंटा बैठ कर देख, तीन तीन घंटा बैठ कर देख ले। लेकिन जब बोले भैया भगवान का हरिना भजन कर, जो धन जाएगा जिसमें आत्मा को शांति मिलेगी, लेकिन कुल हम समय कहाँ है। लेकिन चौथा पत्नी को नेग्लेक्ट कर रखा ना, बेकार, जिसका कोई काम धाम नहीं, वही सब माला लेकर हरे कृष्ण करते रहते। हम उसको नेग्लेक्ट किए, लेकिन अंतिम समय में काम में कौन आएगा, कोई काम में आने वाले नहीं। देखो आप भागवत पढ़ कर देखो, मरने के बाद है ना, उसका जब महाराज को सामने खड़ी कर दिया, उसको प्रश्न की जाती है, तुमको ये जो 84 लाख जीवन को बाद में ये जो मानव शरीर दिया था, तुमने क्या काम करके आए। आप नहीं बताओगे, नहीं बच्चों को अमेरिका भेजा, लंदन भेजा, लड़की को यहाँ शादी दिया, ये बात नहीं पूछेंगे वो। केवल एक ही प्रश्न है, जिस गोस्वामी जी कहते आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, ये संसार कर नहीं आए, केवल भजन के लिए आए, क्योंकि ये मुक्ति का द्वार है, और किसी जीवन में मुक्ति नहीं मिलेगी, केवल मानव शरीर में मिलेगी। इसलिए गोस्वामी जी कहते आए थे हरि भजन को, तुमने भजने के लिए आए थे, ओटन तो उल्टा काम में लगे पे, जो काम के लिए आए थे उसको तो रख दिया दूसरे तरफ में, साइड कर दिया, जो करने नहीं आएगा ना उसको पीछे लग दे। हनुमान का नाम सुने हो, कौन कौन सुने, आप बताओ हनुमान जी जगत में इसे कौन सा काम किया जो दुनिया में पूजा हो रही है। ये था आई तृतीय युग में ना, लाख करोड़ साल पहले आए, लेकिन अभी घर घर में इसे किया, उन्होंने कौन सा काम किया। अगर रामायण पढ़कर देखो, हनुमान खुद कहता है अगर सवेरे उठकर मेरा कोई मुंह देख लिया ना, नाम ले लिया, दिन भर भोजन नहीं किया, हनुमान खुद कहते हैं। लेकिन एक बंदर होते हुए इतनी पूजा क्यों, बोले केवल राम के नाम की कृपा। हनुमान जी कहते हैं राम की भक्ति कर रहा हूँ ना, रघुपति राघव राजा राम पति पावन, दिन भर भजन करता हूँ केवल राम नाम के बल पर। कहते सुमिरी पवन सुत पावन नामो आप न बस करे राखे रामो, है उन्होंने केवल नाम के बल पर उनको बसभूत करके रखा। इसलिए अगर हम भी प्रभु का नाम करेंगे ना, देखना जीवन में सुखी रहेंगे, इसी जीवन में भी रहेंगे, और अगली जीवन में तो बस माला ही माल है, तुमको माला ही माल है, क्योंकि यही धन तो जाएगा ना, और तो कोई धन नहीं जाएगा, ठीक है ना। क्या करना, माला जप कर सवेरे नहा धो करके। हमारे बड़े गुरु जी कहते थे, हमारे बोले सौ काम छोड़कर अपना भोजन कर, गुरु जी कहते थे हजार काम छोड़कर काम धंधा करो, हजार काम छोड़ कहते कहते करोड़ों काम छोड़कर भजन करो, कहते करोड़ क्योंकि जाएगा ही तो जाएगा ना साथ में, करोड़ों काम छोड़कर भजन करो, क्योंकि अंतिम समय तुम्हारी यही काम में आएगा, और काम में नहीं कुछ आएगी, ठीक है ना। इसलिए सवेरे उठ करके नहा धो करके, बच्चे तो बड़े हो गए होंगे, तुम्हारे से बच्चे तो बड़े हो गए होंगे, शादीशुदा हो गया होगा, शादी नहीं हुए, हाँ कोई बात नहीं, भगवान का नाम करोगे ना, जो मांगोगे ठाकुर जल्दी जल्दी दे देंगे, ठाकुर जी को प्रभु का नाम करते हुए करोगे ना, जो जो भगवान का नाम को कल्पतर बताया गया, जो मांगोगे वही दे देता है भगवान का नाम। इसलिए क्या करो, सवेरे उठ करके पहले भगवान की नाम जपा करो, ठीक है, उसके बाद दिन भर अपना घर गृहस्थी में लगे रहो, अपना घर को अपना भगवान का मंदिर समझो, ठाकुर ने घर दिया है, झाड़ू लगाओ तो समझो भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, अगर कोई भोजन बनाते हो समझो भगवान की प्रसाद, ठाकुर को भोग लगेगा इसलिए हम भोजन बना रहे हैं, बच्चे को प्यार देते हो ठाकुर ने बच्चा दिया है, अपना संसार को ठाकुर की संसार मानो, मान करके भजन करो, बस संसार करो, हो गया बुढ़ापा, ठीक है ना। सब एक एक माला जप करना, ठीक है, माला है कि नहीं, नहीं है, है माला, कौन सा माला है जब करती हो, रुद्राक्ष वाले रुद्रा के माला है ना, एक तो स्त्री लोग को रुद्रा के माला में जप नहीं करनी, नहीं वो नहीं करते, जप नहीं करते हैं। इसलिए अगर माला, मैं माला लाया हूँ, अगर आप बोलोगे ना एक माला दे दूंगा लेकर के, जब तुम्हारी समय होगा, कोई ये नहीं, कोशिश करना सवेरे अगर एक दो माला कर लिया, लेकिन वो माला को कोई बिस्तरा ऊपर बैठ कर भी कर सकते हो, जब तुम्हारी अपना समय होगा वो माला को कभी भी कर सकते हो, अगर इच्छा हो तो माला दे दूंगा, ठीक है, माला लेना, भजन करना, अब कोशिश करना बच्चों को भी तुम लोग एक एक माला करो, भगवान का माला से भगवान मन को शांति मिलेगा, सुख मिलेगा, ठीक है। और घर में ठाकुर को भोग लगा के खाते हो, सब लगाते हैं ना, प्याज लहसुन खाते होंगे,
नहीं ज्यादा नहीं, कभी कभार कभी कभार इसलिए अगर अगर हो सके तो प्याज लहसुन छोड़ सकता थी। अब घर में प्याज लहसुन खाते हैं बिना प्रभु जी करे? नहीं खाते है ना, बच्चे लोग खा देते कहीं बाहर जाकर खा लेते हैं कि घर में खा लेते? बाहर कोई बच्चा नहीं खाता मेरा। हाँ, मेरा कोई बच्चा बाहर नहीं खाता। नहीं खाता है? खाते सब घर में ही है, चाहे वो कुछ भी खाए। नहीं बाहर कभी उनकी शिकायत आई, सब नेचर में बढ़िया है वो। और मैं आपसे यही मांगती हूँ कि मेरा परिवार और भगवान कृष्ण जो भी वो करें वो तेरे अधिकार है, मैं कुछ नहीं कर सकती। और कलयुग है, मैं तो सब इसको सौंप देती हूँ। इसलिए अगर हो सके तो कोशिश करना, अगर प्याज जैसे नवरात्रि आती है ना, आप दिन नौ दिन तो कोई प्याज नहीं खाते। नहीं, क्यों नहीं खाते हो? माता जी को पसंद नहीं ना, तभी तो नहीं खाते है ना। इसलिए क्या मैया को नौ दिन के लिए खुश रखो, फिर खा के नौ दिन जो चीज भगवान के भोग में नहीं लगता है, माता जी को स्वीकार नहीं। हाँ, ये प्याज भागवत पढ़ कर देखो, जो प्याज है ये गैया का मांस से सृष्टि हुआ है। जब भगवान सुदर्शन चक्र से दैत्य को उन्होंने मारा, उसका मांस जहाँ पर गिर पड़ा वहीं से प्याज की पौधा हो। इसलिए देखना कहीं ठाकुर जी को भोग नहीं लगता, इसलिए नवरात्रि में नौ दिन तक उसको घर में कोई प्रवेश नहीं कराते, कोई खाते नहीं, खाते नहीं ना नौ दिन तक। क्यों? कारण दिया, उसका सृष्टि एक अधिक चीज से सृष्टि हुई, इसलिए ये चीज को भाई ग्रहण नहीं करते। इसलिए अगर एक चीज छोड़ दोगे तो भगवान को रोज भगवान को भोग लगेगा। भगवान को भोग लगने से कृष्ण गीता में कहते हैं, बोले अर्जुन जो मेरे को भोग लगा कर खाते, कहते श्लोक है, बोले जज्ञशिष्टासीन संत मुच्यन्ते सर्व गिले से, हे अर्जुन जो मेरे को भोग ला कर खाना खाते हैं वो अमृत पाते हैं, उसको सारे पाप से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन मेरे को जो भोग लगाए बगैर खा लेते हैं, बोले अघम, अघम मतलब पाप है, वो पाप भोजन करते हैं। अब सुदामा का नाम सुने होंगे, ये पहले गरीब क्यों बना फिर धनी क्यों बना? अब देखे होंगे टीवी में, जब गुरुकुल में दोनों गए थे, माता ने सुदामा जी को चाना दिया, लेकिन उसने छुपा छुपा कर खाया भगवान से, है ना, देखे इसलिए गरीब बना। धनी कब बना? जब भगवान के पास में गए, दो मुट्ठी चिड़वा लेकर गए, ठाकुर एक मुट्ठी, दो मुट्ठी, तीसरे मुट्ठी खा रहे थे, हाथ पकड़ लिया, नहीं आपने दो मुट्ठी खाया ना सारे लक्ष्मी घर में पहुंच गए, तीसरी मुट्ठी खाओगे मेरे को दासी बनना पड़ेगा। और जो सुदामा आता है सोने के में, हे पत्नी को पहचान नहीं पा रही, राजनाई बनकर बैठी, इसका मतलब है अगर भगवान को देकर खाएंगे लक्ष्मी की कृपा होती है घर में। लक्ष्मी के घर में जो जो हम खरीदी करते हैं पैसा से, पैसा लक्ष्मी, पैसा लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी नारायण की, ठाकुर जी की, वो लक्ष्मी अगर ठाकुर को सेवा में लग जाए तो लक्ष्मी आशीर्वाद है, बेटा खुश रहो, प्रसन्न रहो संसार में। अगर वो लक्ष्मी अगर भगवत सेवा में नहीं लगती है ना, फिर दुखी हो जाती है, नाराज हो जाती है। इसलिए कोशिश करना अगर छूट जाए तो भगवान को चाची भोग लगा कर खाओगे तो शांति शांति रहे, ठीक है। बोले से वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय, डॉक्टर साहब की जय, धर्म पत्नी माता जी की जय, पूरा परिवार की जय, प्रभु की जय, श्री गुरुदेव जी की जय। जैसे महाराज जी अभी आप पूछे थे ना, प्याज कभी कभी खाते हो।